क्या दोस्त, आप भी मानते हो कि इस युग में भूत जैसा कुछ होते हैं? अगर मानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मैं तो मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके में जब थी वहाँ पे मैंने अपनी आँखों देखी। कहानी बता रही हूँ, हमको भी तो इतना डर लगता, इतना उन लोगों को देख के डर लगता। बाप रे, जब सामने आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि बाप रे भागो यहाँ से, इनके पास मत जाओ। देख के ही जैसे रूह कांपने लगता था। तो उनके घर में ऐसी अनहोनी होती, हमेशा होती ना, कि क्या बताएं आपको। ऐसे ही जो थे, एक थे शिवकर्मा नाम था, वे मेरे दादाजी लगते थे। क्या हुआ ना कि उनके ऊपर जब भूत सवार हो गया, वो अपने आप को ही कुआं में गिरा लिए। तो और लोगों ने हिल कर कुएं में जाकर उनको बचाया। और जानते हो, जब उनको बचाने के लिए एक आदमी भी गए, वो भी नहीं निकल पा रहे थे। सब लोग चारपाई डाल के, रस्सी बांध के, तब उनको और जो एक विश्वकर्मा दादाजी थे उनको भी निकाले। एक बार तो ये मेरे घर के पीछे साइड में हुआ। फिर क्या है ना कि मेरे घर के आगे भी एक कुआं है। उस समय हम लोग पानी पीते थे, फिलहाल इस समय में नहीं है। एनी टाइम में तो सब लोग चापाकल से ही पी रहे हैं। तो उस समय क्या था कि उसी से हम लोग पीते थे। तो एक आंटी जी थी, उसी कुएं पर बैठ के अपना स्नान कर रही थी। तब तक वो दादाजी जो थे आए और अपना कुएं में कूदने लगे। तो वो भी आंटी कही है, वो अब इस समय अपने जो है हस्बैंड के यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है अपने मामा के यहाँ रहते हैं। क्योंकि उनके जो मामा थे तो उनके पास मतलब वो नवासा पे रहते हैं। तो सिर्फ बेटी थे, बेटे नहीं थे, तो इसलिए अपने मामा के यहाँ रहते हैं।